राजस्थान के झुंझुनू जिले की मशहूर सरपंच नीरू यादव को अब यूएन से न्योता मिला है। ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव ने बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारे काम किए हैं। यही वजह है कि उन्हें पहले बिग बॉस का न्योता मिला और अब वो यूएन जा रही हैं। नीरू यादव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। 3 मई को नीरू यूएन में अपने अनुभव साझा करेंगी। नीरू यादव ने अपनी पंचायत में कई नई पहल की हैं, इनमें से बालिकाओं की हॉकी टीम बनाना भी शामिल है। नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। नीरू यादव ने अपने इलाके में बर्तन बैंक खुलवाया है। ग्राम पंचायत को प्लास्टिक से मुक्त कराने की पहल भी की है। इसके साथ ही ग्रामीण महिला देंगी पूरे राजस्थान को अपनी इस बेटी पर नाज है। और खुद नीरू यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गई हैं। नीरू यादव, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और यूएन से आपको न्योता आया है, वहां पर आपको बुलाया गया है, आपके विचार सुने जाएंगे, कैसे आप महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, सबसे पहले इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुश हूं मैं कि यूएन की तरफ से वहां जाकर भारत को रिप्रेजेंट करना और अपने नेतृत्व जो है उसको के अनुभव को वहां पर साझा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी पंचायत के सहेड गांव के लोगों को और कानसुंगपुरा के लोगों को और लांबी अहीर के लोगों को, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और मुझे अपने पंचायत की सरपंच के तौर पर चुना और आज मुझे ये सब यहाँ तक जाने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी पंचायत के जो लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। जी, आप क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूएन में अपनी बात रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी आपके गांव की जो महिलाएं हैं कैसे क्या क्या काम आप उनसे करवाती हैं। हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी आप फेमस हैं, अब कैसे सशक्त कर रही हैं आप महिलाओं को, क्योंकि अब जब भी महिलाओं की बात होती है तो सशक्तिकरण जैसा शब्द जरूर उनके नाम से जुड़ जाता है और ये हम मानते भी हैं कि महिलाएं अभी इतनी सशक्त नहीं हुई हैं जितना उन्हें होना चाहिए, लेकिन आप इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं तो यही कहूंगी जब महिलाएं सशक्त तभी होगी जब वो इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग होगी, मेंटली वो स्ट्रांग होगी और फिजिकली जो वो स्ट्रांग होगी तो तभी हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। और उसी क्षेत्र में जो है हम काम कर रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो या छोटी बच्चियों की बात हो, तो उनसे लेकर बस जो है एजुकेशन में वो पीछे ना रह जाए, उसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनका मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के सशक्त होने के में ये है कि उनको किसी ना किसी रोजगार से हम जोड़े ताकि वो इकोनॉमिकली जब वो स्ट्रांग होंगी तो वो अपनी बात भी रख पाएंगी, आगे कुछ काम भी कर पाएंगी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो पाएंगी और अब कुछ अच्छा वो जो है वो काम कर पाएंगी। तो हम इस सारे ही क्षेत्र के अंदर जो है काम कर रहे हैं। नीरू, आपको जब पता चला कि यूएन से न्योता आया है, 3 मई को आपको वहां पर भाषण देना है और परिवार के लोगों को जब ये जानकारी मिली तो किस तरह का रिएक्शन था फैमिली का, क्योंकि एक महिला जो इतना बढ़ चढ़ कर महिलाओं के लिए काम कर रही है, जाहिर सी बात है आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा आपके साथ। जी बिल्कुल, देखिए फैमिली का सपोर्ट था तभी मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और फैमिली के साथ साथ मेरे पंचायत के लोगों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस बात के लिए कि उनकी जो सरपंच है वो यूएन में जा रही हैं और अपने अनुभव साझा करेंगी। तो इस बात को लेकर सिर्फ फैमिली को ही नहीं, पूरे गांव में सभी लोगों को काफी गर्व महसूस हो रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं और फैमिली और गांव के लोगों का ही सपोर्ट रहा है तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये दिमाग में आता है कि वहाँ पर भी महिलाएं इतनी ज़्यादा सजग या पढ़ी लिखी हो रही हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर सरपंच आपके जैसी हो तो ये उस इलाके में ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ की महिलाएं गुड अर्नर भी बन सकती हैं और पढ़ी लिखी भी होंगी। आप कैसे लोगों को और महिलाओं को जागरूक करती हैं, क्योंकि सभी की फैमिली तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जैसी वहां पर सपोर्टिव होगी कि वो कहे कि चलिए महिलाएं अगर घर। ये कहती हूँ हमेशा कि हम महिलाओं के वो मौके बहुत कम मिलते हैं लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब मौके मिलते हैं और जिनको भी मौके मिले हैं उन्होंने सबने बहुत अच्छा करके दिखाया है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मेरा झुंझुनू जो जिला है वो एजुकेशन में काफी काफी आगे है और महिलाओं को मोटिवेट करने का है। एक तो जब वो मुझे देखती हैं कि मैं
बतौर सरपंच अपने कार्य को किस प्रकार से कर रही हूँ, तो उस चीज से भी उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि जब हमारी सरपंच कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फैमिली से बात करने का तो ये है कि कोई भी चीज की जब हम शुरू में शुरुआत करते हैं तो काफी सारी चुनौतियां और तकलीफें आती हैं, लेकिन उनको अपनी सूझबूझ के साथ में और कैसे उस चीज को साथ लेकर चलें, तो उस सबको देखते हुए हम फैमिली को भी कन्वेंस करते हैं। और हाँ, ये बात सही है कि फैमिली सपोर्ट होना हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सफर थोड़ा आसान हो जाता है, तकलीफें आती हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं करती, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप झुंझुनू की जब महिलाओं से मिलती हैं तो जाहिर सी बात है पहले कुछ परेशानियां भी महिलाएं बताती होंगी कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है और इस वजह से हम काम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को प्रेरित करती है। हॉकी की टीम को लेकर भी कुछ अगर आप हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहे तो क्या बताएंगी? देखिए, समस्याओं की बात तो ये है कि हम झुंझुनू की बात नहीं करेंगे, ये तो पूरे शायद पूरे विश्व की भी अगर गांव के अंदर महिलाओं के पास काम इतना ज्यादा होता है कि वो अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाती। और बहुत सी औरतें महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास काफी प्रतिभाएं हैं और लेकिन फिर बस वो क्योंकि अपने लिए समय नहीं निकाल पाती इसलिए उन प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं दबा देती हैं। तो मैं तो हमेशा इसी चीज के लिए मोटिवेट करती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसे आप बाहर निकालिए और जिस भी क्षेत्र में आपका अच्छा आप प्रदर्शन कर सकती हैं उसमें आपको करना चाहिए। और आपने हॉकी की टीम की जो बात की तो चैलेंजेस काफी सारे मेरे सामने आए थे, क्योंकि गांव में जिस प्रकार से जितना हम लड़कों को मोटिवेट करते हैं शायद लड़कियों को वो सब चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, शायद संसाधन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने काफी प्रयास किए, उनके पेरेंट्स से बात की। और आप जब एक पद पर होते हो या आप गांव के सरपंच हो तो मुझे लगता है जब आप किसी को किसी बात के लिए कन्वेंस करते हो तो आपकी बात को सुना जाता है। तो ऐसे ही मैंने फैमिली से बातें की तो शुरुआत में कुछ दिक्कत आई लेकिन फिर जब परिवार एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, यूएन जाने वाली है, आपका भाषण होगा 3 मई को, आपके गांव के लोग और मुझे लगता है कि देश भर की तमाम महिलाएं इंतजार में होंगी कि आप भाषण में क्या कहेंगी, किन बातों को रखेंगी, कुछ सोचा है कौन सा बड़ा मुद्दा होने वाला है महिलाओं से जुड़ा या जिस पर भी आप बात करना वहां पर चाहेंगी? जी देखिए, मैं तो सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करना चाहूंगी और महिलाएं अपना कितना क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं और कितना कर सकती हैं। हम भारत की महिलाओं ने अपना हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया है और आज से ही नहीं पुराने रामायण महाभारत महिलाओं को सशक्त आप करती रही हैं और आगे इसी तरह से